दिल्ली के दक्षिणी जिला के हौज खास थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर हुई एक ब्लाइंड रॉबरी का मामला सामने आया था। इसमें दो लोगों से 1,17,00,000 रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई थी। इस मामले में हौज खास थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर महज 3 दिन के अंदर लूट की इस वारदात को सुलझा लिया था। अब तक इस मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने लूटे गए 181 ज्वेलरी आइटम्स में से 121 आइटम्स बरामद कर लिए हैं। इस मामले का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने हौज खास थाने का दौरा कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने डोसियर टीम में काम करने वाले पुलिसकर्मियों से उनके कार्य प्रणाली का जायजा लिया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुडा और दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।